दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इविंग्स अकेडमी, हिमाचल मोस्ट करियर ड्रिवन अकेडमी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को पांचवा दीक्षांत समारोह मनाया। पीजी कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में विश्वविद्यालय का भवन न बन पाना प्रदेश के नेताओं की बड़ी नाकामी है, लेकिन अब जल्द भवन बनने की उम्मीद है। समारोह में 32 छात्रों को गोल्ड मेडल तथा 35 को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने ड्रेस कोड हिमाचली टोपी और सफेद कुर्ते में डिग्रियां प्राप्त की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने विश्वविद्यालय का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। समारोह सम्पन्न हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? केंद्रीय विश्वविद्यालय आने के लिए प्रयत्न कर रहा है। थोड़े से समय के अंदर अपना बहुत बढ़िया स्थान है और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि भविष्य के लिए और भी अधिक उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए कुछ नए विषय जोड़ने के लिए आज उन्होंने घोषणा की है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस बात को बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, भवन को लेकर अभी भी जो है छात्रों के मन में चिंता है। छात्रों की चिंता से ज़्यादा हमारी चिंता, और मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतने वर्ष होने के बाद भवन नहीं बन सका। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी रही है हिमाचल प्रदेश के नेताओं, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर देर नहीं होगी, बहुत जल्दी भवन निर्माण का काम शुरू होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का दो सालों के अंतराल के बाद पांचवा दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के वे मेधावी छात्र जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत कम सुविधाएं हैं यहाँ अभी तक, ना तो अपना कैंपस है, ना अभी तक इनको जमीन मिल पाई है। बावजूद उसके असुविधाओं के इन छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल कर ना अपना अपने पेरेंट्स का विश्वविद्यालय का सबका नाम रोशन किया है। हम इनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं, क्या सुविधा है आपका? अंकित जी, बहुत कम सुविधाएं हैं, उसके बावजूद आपने फिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कहाँ के रहने वाले हैं, किन परिस्थितियों में आपने ये मुकाम हासिल किया? मैं बिहार मुजफ्फरपुर रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की और मैंने इस मुकाम को हासिल किया। बिहार से यहाँ आकर आपने शिक्षा ग्रहण की और ये मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे कि कम सुविधाएं हैं बावजूद उसके आप ये सुविधा आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि हमें कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हमें ये लगता है कि सुविधाएं कम है, बच्चों हमारे फैकल्टियाँ बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके की आप चाहो उसे सपोर्ट ले सकते। सुविधाएं कम हो तो भी पीछे नहीं रहा जा सकता, तो भी आगे बढ़ने वालों में हुनर और पढ़ाई के प्रति लगन होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं फिजिक्स के टॉपर। और एक और फिजिक्स के पिछले 2015-16 के जो टॉपर हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या सुना है आपको? मुनाल जी, आप भी इस विश्वविद्यालय के फिजिक्स के टॉपर हैं, आपने 2015-16 के सत्र में टॉप किया है, किन परिस्थितियों में आप यहाँ पहुँचे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी स्मॉल से विलेज है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने धर्मशाला कॉलेज से जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं से BSc किया है, और वहाँ के जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है, बावजूद सुविधाएँ हैं नहीं, लेकिन जो फैकल्टी है उनका जो स्तर है वो बहुत हाई है, मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है, रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी है। बाकी तो सरकार रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी है, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने बताया सुविधाओं की कमी है, लेकिन आपको क्या लगता है और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सुविधाएँ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है और आपका मन है पढ़ने का और आप अगर अच्छे से वर्कआउट करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं जो अच्छे अच्छे मुकाम
नाम हासिल किए सेंट यूनिवर्सिटी से भी। सुविधाएं कम भी हो वो मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपके पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले कि वो किस लगन के साथ पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले किस लगन के साथ पढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पत्रकारिता विभाग में जो है वो गोल्ड मेडल लिया है। आप क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम यासिर है और मैं जम्मू कश्मीर से। आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर अभी चर्चा में सुर्खियों में है और आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, तो आपने ये जो सफ़र है ये जो मुकाम है इसको हासिल किया है, किस तरह इस मंजिल तक पहुँचे हैं और कैसे देखते हैं और अन्य छात्रों को क्या संदेश देना है? अन्य छात्रों को संदेश यही है कि पहली चीज़ तो जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमारे यहाँ पे अध्यापक अगर अच्छे हो तो सुविधा में ज़्यादा मैटर नहीं करती, और आपका पैशन हो तो हमारा स्टाफ भी अच्छा था, क्लास जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, घर से हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्हें हमेशा आज़ाद रखा जो करने के लिए, उसके बाद थोड़ा किस्मत का भी सहारा। और जो छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं पत्रकारिता विभाग में या अन्य विषयों में उनको क्या संदेश? अपनी सोच पर ज़्यादा यकीन रखो, आधे दिन आगे पीछे डेढ़ चाल में चलने के देर से ही दूर आएगा, कभी तो अपने आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो ये गोल्ड मेडल हासिल करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इनका मानना है कि सुविधाएं मायने नहीं रखती हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले जो छात्र हैं उनकी मेहनत मायने रखती है कि वो कितनी मेहनत करते हैं और किस लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये बातें ही मायने रखती हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। इविंग्स अकादमी धर्मशाला चामुंडा व पालमपुर के सैकड़ों छात्रों ने अपनी ऊंची उड़ान से सफलता का आकाश चूम लिया है। मात्र 3 साल में इविंग्स अकादमी के छात्रों ने नीट, आईआईटी, जेईई, जेईई एडवांस, आईएमयू मर्चेंट नेवी, एचपी सेट, पीयू सेट, कमर्शियल पायलट, एनसीएचएमटी, होटल मैनेजमेंट, एचपी पुलिस, जेल वार्डन, नर्सिंग सहित कई परीक्षाओं को पास कर नया मुकाम पाया है। इविंग्स अकादमी चामुंडा, धर्मशाला और पालमपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यही नहीं, इविंग्स में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाती है। यही कारण है कि इविंग्स के छात्र देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। अब जल्द ही इविंग्स अकादमी की शाखा कांगड़ा बाजार और जिला चंबा में खोली जाएगी। जॉइन इविंग्स अकादमी टुडे एट द नियरेस्ट ब्रांच।